पृथ्वी पर जन्नत कहलाने वाला हमारा कश्मीर कई सालों से आतंक और अलगाववाद से जकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से बेरोजगारी चरम सीमा पर थी। खाली दिमाग और चंद पैसों के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस पर पथराव, बॉम्ब अटैक काफी बढ़ गए थे। एंटी इंडिया और एंटी आर्मी सेंटिमेंट भी काफी तेजी से फैल रहा था। इन सब को एक सॉफ्ट अप्रोच से काउंटर करने के लिए सोफियान स्थित 12 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स ने अपनी सद्भावना योजना के तहत नौजवानों को लाइफ एनहांसमेंट स्किल्स जैसे स्टिचिंग, फूड प्रोसेसिंग, ब्यूटीशियन, मशीन निटिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे रोजगार देने वाले प्रोग्राम शुरू करने की सोची। प्रोजेक्ट तोहा सोशल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विकास अवध सेवा संस्थान ने प्रोजेक्ट तोहा सोशल शोपियान आर्मी गुडविल स्कूल में जुलाई 2020 में शुरू किया था। पहले तो शुरुआत में तो बॉयज़ की ट्रेनिंग होती थी, फिर बाद में हम लोगों ने अक्टूबर 2020 से गर्ल्स का शुरू किया। अगले साल मार्च तक हम लोग 42 कोर्सेज गर्ल्स के कर चुके होंगे और करीब 900 लड़कियों को ट्रेनिंग दे चुके होंगे। ढाई साल हम लोगों ने अपने ही डोनेशन से और अपने ही पैसे से ये कोर्सेज चलाए, जिसमें कि हम मशीन भी देते हैं लड़कियों को। और उसके बाद में हमने RVNL को अप्रोच किया, क्योंकि काफ़ी ज़रूरत थी वहाँ पर और सेंटर्स की। CSR फंड से हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने हमें सपोर्ट किया, तो हमने एक सेंटर से वहाँ पर अब 3 सेंटर्स कर दिए थे। कुलगांव में और पुलवामा में शुरू हुआ। ये सारी लड़कियां जो हम जिनको ट्रेनिंग देते हैं वो बहुत ही गरीब परिवार से होती हैं। सभी स्कूल ड्रॉप आउट होते हैं क्लास 8 क्लास 10, घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम इसकी वजह से आगे नहीं पढ़वाती हैं। मार्च 23 में फिर आगे उनको अप्रोच किया, तो उन्होंने हमें फिर से फंडिंग दी, तो हमारा 3 सेंटर्स की जगह अब 4 सेंटर्स हो गए, जिसमें कि बडगांव भी इंक्रीज हो गया। ये सेंटर्स में हमारी जो ट्रेन गर्ल्स हैं उन्हीं को हमने इंस्ट्रक्टर रखा है, और ट्रेनिंग के अलावा ये हम लड़कियों को सपोर्ट करते हैं कि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएं, जिससे कि उनको स्टेट गवर्नमेंट से इनिशियल वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा मिल सके। आर्मी वाले जो हैं वो सद्भावना उनका स्कीम है, उससे वो ड्राइविंग भी सिखाते हैं उन लड़कियों को, जिससे कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो हों ही वो, साथ के साथ में किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो कहीं भी आने जाने के लिए भी। को स्किल ट्रेनिंग भी दे दी हमने आपको, आना जाना भी आपका अपने आप इंडिपेंडेंट हो गए, और उसके बाद में आपको सपोर्ट भी कर दी, जिससे कि इनिशियल आपको कैपिटल भी मिल जाए, जिससे कि आप दुकान अपना वर्किंग शुरू कर सकें। मशीन तो देते ही हैं हम, क्योंकि मुझे इतनी खुशी है कि हमने जितनी भी गर्ल्स को आज तक ट्रेनिंग दी है वो सारी की सारी अपना काम कर रही हैं, सब कुछ ना कुछ जरूर से कमा रही हैं, अपने लिए कमा रही हैं, अपने घर के लिए कमा रही हैं, अपने माँ बाप को देते हैं, माँ बाप भी उस चीज़ से बहुत खुश हैं। हमें तो लगता है कि हमारे 4 सेंटर ही अभी कम है, कम से कम 10 सेंटर होना चाहिए, तब जाके हम पूरा साउथ कश्मीर कवर कर पाएंगे, और हमारे और भी सेंटर बनाएं जिससे कि हम उस पूरे एरिया को कवर सकें, बहुत ज़रूरत है वहाँ पर। में हमने मैक्सिमम कटिंग ट्रेनिंग कोर्स के स्टूडेंट्स को ट्रेन किया, और फ्रूट पल्प के कोर्सेज हुए यहाँ पे, उसके बाद हमारे कंप्यूटर कोर्सेज हुए, ड्राइविंग कोर्सेज हुए। मैं यहाँ पर आई, मैंने यहाँ पर नाम लिखवाया। पहली बार मैंने सुना है कि शुपयान में ऐसा कुछ हो रहा है, फ्री में हमें कोर्स मिल रहा है, और अगर हम कहीं और पे करते ये कोर्स तो हमें चार्जेस देने पड़ते वहाँ पे। 3 महीने का कोर्स किया, आज मैं एज इंस्ट्रक्टर यहाँ पे लड़कियों को सिखा रही हूँ। कटिंग टेलरिंग करती थी वहाँ पे गुडविल में, अब घर पे ही करती हूँ। ना हमारा भाई है, हम 4 बहनें हैं, घर पे बहुत प्रॉब्लम है आज भी। मैंने सुना था कहीं से यहाँ पे टेलरिंग का कोर्स कराते हैं, फिर मैं गई थी वहाँ पे, मैंने बहुत ही अच्छे से सीखा था। मैंने फिर मोनिका मैम का भी थैंक यू किया था। अपने घर वालों पे बोझ मत बनो, अपना काम करो। 5-6 हज़ार कमाए हैं उसने, मैंने इंटरलॉक मशीन ले लिया है। कितना पढ़े लिखे हो? 8वीं तक। दोनों ने 8वीं तक किया था। 20 हज़ार कमाया है। हम महीने में 12 हज़ार कमाते हैं। 5 हज़ार भी, 4 हज़ार भी कमाती थी महीने में, 6 हज़ार भी, 7-8 हज़ार आए हैं हमारे पास पैसे। 16,000 हमने एक मंथ में कमाया। 10,000, 10,000, 10,000, 11,000, 12,000। आपको पैसा देता है कुछ? हाँ, बहुत बहुत, बहुत शुक्र खड़ा है।